दोस्तों श्रीमती सुषमा स्वराज, दोस्तों ये पूर्व एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारी रही हैं। दोस्तों इनका हाल ही में 6 अगस्त को निधन हो गया है एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर। दोस्तों हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ है। दोस्तों हम जानेंगे इनके बारे में, पूरे कैरियर में इन्होंने क्या क्या अचीव किया है, पूरा कैरियर देखेंगे कि इनका कैरियर कैसा रहा है, पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहा है, कहाँ से ये एमएलए थी, कहाँ दोस्तों कितनी बार एमपी बनी। दोस्तों हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई निधन या डेथ होती है पॉपुलर पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों करंट अफेयर के माध्यम से पूछ लेते हैं और इनके दोस्तों जीवनी के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में हम यही डिस्कस करेंगे कि इनका कैरियर कैसा रहा है, अचीवमेंट क्या क्या थे, ठीक है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं अब इनके बारे में। देखिए दोस्तों, सुषमा स्वराज जी जो थी वो दोस्तों लॉयर थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉयर थी दोस्तों, और बाद में दोस्तों ये पॉलिटिशियन बन गई थी, पॉलिटिकल कैरियर में ये आ गई थी, और दोस्तों वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया था। और दोस्तों इनके जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1952 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था अम्बाला कैंट के अंदर, वो भी मैं डिस्कस करूँगा सारा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अम्बाला कैंट के अंदर 14 फरवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखे पॉइंट, पहले ये लॉयर बनना चाहती थी फिर पॉलिटिशियन ये बन गई। दोस्तों जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं दोस्तों वो आपके क्वेश्चन बन के एग्जाम में दिखाई देंगे। और दोस्तों साथ साथ जो मैं कहानी बता रहा हूँ या मतलब इनके स्टोरी जो बता रहा हूँ साथ साथ, उससे आपको विजुअल इफेक्ट बनेगा और आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप जहाँ पर सुनोगे उसी से आपको यहाँ के इनके बारे में सब कुछ पता हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपना आगे। दोस्तों इनके जन्म की अगर बात करें तो अम्बाला कैंट हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अम्बाला कैंट हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इन्होंने ग्रेजुएशन स्टडी जो ग्रेजुएशन की वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और दोस्तों इनके अचीवमेंट जो है वो इन्होंने दोस्तों 3 बार स्टेट लेवल हिंदी स्पीकर अवार्ड जीता है, ठीक है। तो इन्होंने 3 बार स्टेट लेवल हिंदी अवार्ड जीता है स्पीकर का, तो ये ध्यान रखिए दोस्तों ये इनका अचीवमेंट है। अब दोस्तों इनके अर्ली लाइफ के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस हम करें तो दोस्तों इनके पिता थे वो आरएसएस के बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर थे, आरएसएस में दोस्तों उनकी काफ़ी भागीदारी थी, वो काफ़ी भाग लेते थे, ठीक है, इस तरह की सेवाओं में आरएसएस की। और दोस्तों अगर बात करें तो ये लाहौर से आए हुए थे, ठीक है, वहाँ से निकल के आए थे दोस्तों विभाजन के टाइम पर, और दोस्तों वहाँ पर आकर इनके पिता आरएसएस ज्वाइन कर ली थी और वहाँ पर आरएसएस को अच्छी सेवाएं अपनी दे रहे थे। तो थोड़ी सी इनकी अर्ली लाइफ है दोस्तों, ये भी आप देख लें। दोस्तों थोड़ा सा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने तो इन्होंने शादी की स्वराज कौशल के साथ, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में भी, ठीक है। तो आगे मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, बिल्कुल वेट करिए। और दोस्तों इनकी बेटी है एक जिसका नाम है बांसुरी, बांसुरी इनकी बेटी है दोस्तों, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाई की है और बैरिस्टर की डिग्री भी इन्होंने की है। तो दोस्तों एक बेटी है इनकी, तो ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा इनके पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने बताया, अब देखते हैं इनका कैरियर। दोस्तों अगर हम बात करें इनके कैरियर की तो जैसा कि मैंने आपको बताया इन्होंने कैरियर अपना स्टार्ट किया था एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वकील थी, काफ़ी अच्छी वकील थी दोस्तों, वहाँ पर इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और वहीं अपना परिशु करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों बाद में 1970 के अंदर इन्होंने अखिल भारतीय विद्या परिषद ज्वाइन कर ली, जो कि एक पॉलिटिकल ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से दोस्तों, कॉलेजों में ये होती है, तो वो इन्होंने ज्वाइन कर ली अखिल भारतीय विद्या परिषद। दोस्तों उसके बाद इनका पॉलिटिकल करियर हुआ शुरू, ठीक है। अगर पॉलिटिकल कैरियर के हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर बनी एमएलए 1977 में। दोस्तों उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के देवीलाल, जनता पार्टी के ये दोस्तों सीएम थे और इन्हीं के अंडर दोस्तों ये एमएलए बनी, ठीक है, उस टाइम। और सीट कौन सी थी तो इनके जहाँ पर जन्म हुआ दोस्तों अम्बाला कैंट सीट से ये जीती थी और वहीं से ये एमएलए बनी थी। अब देखिए दोस्तों जब ये एमएलए बनी उसके बाद दोस्तों हरियाणा सरकार में सबसे कम उम्र की स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर ये बन गई, इनको मिनिस्ट्री दी गई दोस्तों, शायद एजुकेशन मिनिस्ट्री उस टाइम पे दी गई थी इनको, तो ये सबसे कम उम्र की मिनिस्टर स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी।
तो ये बिल्कुल आप कवर करें दोस्तों, ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों जब भी इस तरह के व्यक्ति न्यूज़ में रहते हैं, यानी कि निधन से लेकर या फिर किसी और अचीवमेंट को लेकर, तो दोस्तों ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, ये सबसे कम उम्र की स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब इनके पॉलिटिकल कैरियर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री अक्टूबर 1998 में यही बनी थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी दोस्तों? श्रीमती सुषमा स्वराज बनी थी अक्टूबर 1998 के अंदर। तो दोस्तों ये इनके पॉलिटिकल कैरियर में काफी अच्छा अचीवमेंट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखें कि पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की कौन बनी थी? तो श्रीमती सुषमा स्वराज बनी थी। तो दोस्तों ये 3 बार MLA बनी है और 7 बार MP भी बनी है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि कितनी बार MLA बनी है और कितनी बार MP बनी है। तो दोस्तों ये काफी अच्छा अचीवमेंट भी है, 3 बार MLA और 7 बार MP, काफी बड़ा टेन्योर होता है दोस्तों ये। तो ये बनी है 3 बार MLA 7 बार MP। और अगर बात करें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने कौन कौन से पद संभाले हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्री देखी है, तो वो अगर बात करें तो वो देखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री इन्होंने संभाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और आगे दोस्तों बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री इनके अंडर रही है एक बार, तो हेल्थ मिनिस्ट्री का भी इनको एक्सपीरियंस था। और दोस्तों जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को संभाला, जो कि काफ़ी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, काफ़ी दोस्तों इससे रिप्रेजेंट करती है इंडिया को बाहर ये मिनिस्ट्री दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका कार्यभार था, तो इनको दिया गया और इन्होंने बखूबी निभाया दोस्तों। इन्होंने मई 2014 से मई 2019 तक ये कार्यभार संभाला एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का। जो दूसरी बार लोकसभा चुन के आई नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, तब इन्होंने पद लेने से मना। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों इनके पति के बारे में स्वराज कौशल, दोस्तों उनको हम यहाँ पर आप पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, इन्होंने अपना कैरियर एज ए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किया था, ये क्रिमिनल लॉयर थे दोस्तों। ठीक है, तो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, काफी अच्छे वकील थे दोस्तों। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ये गवर्नर ऑफ मिजोरम थे, गवर्नर ऑफ मिजोरम थे दोस्तों, मिजोरम के गवर्नर बनाए गए थे ये 1990 से 1993। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिजोरम के गवर्नर दोस्तों 1990 से 1993 इनको बनाया गया था, ये मैं पॉइंट आपको बताना चाहता था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो था श्रीमती सुषमा स्वराज, जिनके बारे में हमने पूरा जाना कैरियर से अचीवमेंट तक। तो दोस्तों भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।